नौमान की हालत ऐसी हो गई है कि बिना झूले के उसको सोना ही नहीं है। ये है मेरी अन्नू का चश्मा, तो ये झूला है और रेडी हो चुका है नौमान। अच्छा ट्रेन छूटने वाली है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ ज़ारा सलमानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आज कुछ टाइम बाद, मतलब जो लास्ट ब्लॉग मेरा गया था सिस्टर वाला, उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में मेरी वापस से बहनें आई हैं, मतलब मेरे मायके की फैमिली। तो अभी ख़ास वो लोग आए हैं नौमान के लिए, उसके ख़ास झूले के लिए, क्योंकि नौमान की हालत ऐसी हो गई है कि बिना झूले के उसको सोना ही नहीं है अभी। तो अब मायके से आया है झूला, तो आज हम लोग मेन देखने वाले हैं कि झूला कैसा है, क्या है, और उसके अंदर नौमान सोने के बाद में कैसा उसे सुकून मिलता है कि नहीं। क्योंकि अभी तक तो मैं घर में बस ऐसे ही हम लोग कुछ भी उसको चला रहे थे, मैंने बहुत जुगाड़ उगाड़ कर दी थी, जुगाड़ से हम लोग का अभी तक चल रहा था। तो अभी उन लोग आने के बाद में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या होता है घर में और क्या क्या वो लोग लाने वाले हैं और क्या होगा। आज मैंने कुछ भी घर में काम नहीं किया हूँ, क्योंकि अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरी बहनें जो आएगी वही लोग काम करने वाले हैं। अभी मुझे थोड़ा सा नौमान के आने के बाद थोड़ा फ़ायदा भी हो गया कि अब मुझे काम नहीं करना पड़ रहा है, ना घर का ना खाना, खाना भी वही लोग आके बना रहे हैं। और अभी वैसे लोग दो बार आए हैं जब से मैं यहाँ पर आई हूँ डिलीवरी के बाद, तो पहली फर्स्ट टाइम भी वो लोग ने यहाँ किए थे और आज भी वो लोग ही सब करने वाले हैं। तो मुझे है फुल रेस्ट, मैं सिर्फ नहा के नमाज वमाज पढ़ के और बस अब साइड हो गई हूँ। अभी नौमान को भी वही लोग संभाल रहे, घर का काम भी वही लोग कर रहे, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ आगे, ठीक है। तो अभी आए हैं मेरे घर से मेरी फैमिली, तो ये सारी चीज़ें आई है। तो अभी फ़िलहाल तो नौमान को नहला दी है मेरी बहन ने और आज ये पहना रही हूँ उसको कपड़ा, क्योंकि जितने कपड़े आए हैं वो सारे बड़े हैं, तो यही एक साइज़ का आने वाला है, तो ये पहनाने वाले है। और ये है उसकी झोली जो अभी हम लोग झूला लगा के दिखाते हैं आप लोगों को। और ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, और ये अभी आया है नीलेश भाई के घर से, जो कि मेरे भाई है, तो उनके वहाँ से बहुत चीज़ें आई है, मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये सब है मेरे घर की चीज़ें, ये है झोली जो हम लोग अभी लगा के दिखाएंगे आप लोगों को झूले में, जो कि नौमान के लिए आया है। और ये अगेन एक झोली है, और ये ट्रॉली वाला बच्चों को चलने के लिए, इसको भी मैं बाद में देखूंगी। और ये है डायपर का पैक इसका। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं झूला कि कैसा है। चलो, तो ये झूला है जो खोल के दिखा रही है मेरी बहन। अरे वाह, रेडी टू यूज़ है ये, मतलब कहीं भी ले जाओ फोल्ड करके और बस इस तरीके से इसको लगा दो, इसकी स्टील मजबूत, तो ये इस तरीके से इसका पूरा लुक है। तो ये रेडी हो चुका है झूला, ये इस तरीके से है। तो इसका फैब्रिक कुछ ये है वेलवेट, वेलवेट के ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी की हुई है, जो दिखने में भी अच्छा लगे और इसमें कंफर्टेबल भी हो।
तो ये है एक साइकिल इस तरीके की, इस पे खड़ा हो के बच्चे खेलने, मुस्कान बता, चढ़ के ऊपर। जब बच्चे चलना सीखते हैं तब इसके ऊपर थोड़ा कोशिश करते, बता मुस्कान एग्जांपल दे कैसा चढ़ के। हाँ ऐसे ऐसे पकड़ के इस पे चलेंगे। रेडी हो चुका है नोमान, ये पहना है दिलेश, वाह वाह वाह। इसके सॉक्स कहाँ गए, इसके मिटन्स, सब कुछ कहाँ है भाई, लाओ लाओ। कौन सा पाया नोमान को, वो पहले इनका लेना। तो अभी यहाँ काम हम सब हो चुका है, और ये जो हमारे नीलेश भाई ने लाए हैं एक खा भी लिए, और ये मिठाई आई है उनके पास से मज़ेदार सी, और अभी हम लोग खाने जा रहे हैं खाना। तो ये है आज की मेरी ड्रेसिंग, ये है मेरा ड्रेस, जैसा कि मैं नज़दीक से दिखाऊं आप लोगों को, इस पे है थ्रेड वर्क और इसके नीचे है प्लाज़ो, ये है इसका दुपट्टा, दुपट्टा आप देख सकते हैं ये नेट में है, और ये हूँ मैं। तो ये है मेरी आज की ड्रेसिंग। तो अभी आवाज़ आ गई है नोमान के रोने की, चल के देखते हैं अभी के वो क्या कर रहा है। तो अभी ये नोमान रो रहा है झूले में डालने, और ये देखो अनाबिया को इस तरीके से लटक रही है, अब इसकी झोली लगेगी तब उसको सुलाएंगे। और अभी घर की हालत तो आप देख सकते हैं, क्योंकि फैमिली है तो फिर हो गई इसमें, यहाँ पर सब ये मालिश वालिश का सब कुछ सामान रखा है, पूरा सब फुल हो चुका है। और अभी वैसे बज चुके हैं 4 शाम के, तो अभी थोड़ा हम लोग जाएंगे नीचे, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी ये फर्स्ट टाइम मेरा होने वाला है कि मैं नीचे उतरने वाली हूँ, तो हम लोग नीचे जाने वाले गार्डन में, उसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से आगे। ये है मेरी अन्नू का चश्मा जो मैंने लगाई हूँ और बहुत ज़बरदस्ती घुसाई हूँ, और मेरी अन्नू बैठी है इधर पे। तो अभी जा रहे हैं नोमान को ये वाला ड्रेस पहनाने, शाम हो चुकी है, जा रहे हम लोग गार्डन में, बता खोल हंस रही है इसके साथ आइए छोटी सी कोम, जब उसके बाल आएंगे तब बनाएंगे। चलो पहना देते इसे, अब रो रहा है। चलो तो अब जा रहे हैं अन्नू, अन्नू लेट हो रहा है बोलती है। चलो अभी जा रहे हैं लोग, मिलते हैं बाद में आप लोग। अच्छा ट्रेन छूटने वाली है, चलो चलो जल्दी भागो, बैग उठाओ।
चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो अब फाइनली घर हो चुका है खाली। अभी टाइम हो रहा है 8:10 और अब पूरा खाली घर और अब सिर्फ मैं और मेरा नौमान झूले में माशाल्लाह से देखो कितने अच्छे से सो रहा है। अच्छा, मैंने दूसरी वाली ये जो झोली थी आप लोगों को दिखाई नहीं थी पहले, तो ये झूले के साथ में ये वाली झोली आई है और जो पहले हम लोग ने लगाए थे वो अलग से ली हुई है, ठीक है। तो इसके साथ में ये है और इसमें ये नेट भी दिया हुआ है, तो इसको इस तरीके से लगा के और हम लोग इसे बंद भी कर सकते हैं। तो अभी माशाल्लाह से ये देखिए कितने आराम से सुकून से मेरा बेटा सो रहा है, हिल गया थोड़ा सा, अरे बाबा। तो ये है हमारा झूला और अभी देखते हैं, काम तो कुछ है नहीं क्योंकि खाना वाना सब कुछ बना हुआ है दोपहर का ही। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे। तो गाइस, जैसे कि अभी जो मेरी फैमिली थी वो लोग अभी जा चुके हैं और काम तो अब कुछ है नहीं घर में, तो अभी नौमान भी जो है वो अपने झूले में आराम से सो रहा है। तो इसी के साथ इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।